आदाब नाजरीन, इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम उर्दूनामा में आप तमाम का खैर मकदम है। आप जानते हैं कि उर्दूनामा में हम हमेशा किसी न किसी अहम तख्लीक़कार से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे दरमियान उर्दू के मशहूर अफसाना निगार, नावल निगार, ड्रामा निगार जनाब मोहम्मद मज़हर उज़ ज़मा ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मज़हर उज़ ज़मा ख़ान साहब अपने अनोखे उसलूब और इस्तियाराती अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं। नावल हो या अफसाना, इन्होंने अपनी एक अलग और मुनफरिद शनाख्त कायम की है और इनके हर अफसाने में एक नई बात हमें पढ़ने और गौर करने के लिए मिलती है। मज़हर उज़ ज़मा ख़ान साहब ने तवातुर से लिखा है। आपकी दर्जन भर से ज़ायद किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें ख़ास तौर से जो अफसानवी मजमूए हैं, हारा हुआ परिंदा, दस्तकों का हथेलियों से निकल जाना, शोरीदा ज़मीन पर दम बखुद शजर, इस आबाद बयाबा में जो पाकिस्तान से शाया हुई है, एक शहर जो कभी आबाद था वगैरह ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। आपके दो अहम नावल हैं, आखिरी ज़मीन और आखिरी दास्तान गो। इनके अलावा दर्द का पोर्ट्रेट के नाम से आपके ड्रामों का मजमुआ शाया हुआ है। आपने एक सीरीज़ भी लिखी है जिसका उन्वान है ख़ुद के गुबार में। मज़हर उज़ ज़मा ख़ान साहब के अफसानों के अंग्रेज़ी में तवातुर से तर्जुमे शाया होते रहे हैं और आपके दो अफसानवी मजमुए अंग्रेज़ी में शाया हुए हैं, जिनके उन्वानात हैं द सेंसर्ड जेनरेशन और इसके अलावा द लास्ट इंडिक्टमेंट। ये दोनों अफसानवी मजमुए अंग्रेज़ी हलके में ख़ासी पजीराई के हामिल हैं और मज़हर उज़ ज़मा ख़ान साहब इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि इन पर लिखने वालों में बेहद अहम नक़ादों जैसे ख़ास तौर से शम्सुर्रहमान फारूकी और इनके इस कबील के और दीगर नाक़दीन अदब शामिल हैं। आज मोहम्मद मज़हर उज़ ज़मा ख़ान साहब से हम गुफ्तगू करेंगे और इनके फ़न और इनके अहद के बारे में इनसे जानेंगे कि ख़ुद इन्होंने जो इतना तवील तख्लीकी सफ़र है 50 बरस का तकरीबन, इस दरमियान मुख्तलिफ उतार चढ़ाव आए हैं। आपने इतने सारे नावल लिखे, अफसाने लिखे, ड्रामे लिखे, ये किस तरह से तख्लीक की तरफ राग़िब हुए और किस तरह से मौज़ूआत का इंतख़ाब इन्होंने किया है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम मज़हर उज़ ज़मा ख़ान साहब से जानेंगे। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप, जाहिर है कि आपका आबाई वतन बीदर है जी, तो बचपन आपका बीदर में गुजरा है। बीदर के बारे में कुछ जो आपके जहन में यादें हैं वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। बीदर में बहुत मुख्तसर वक्त गुजरा है मेरा, ज़्यादा 5-6 साल तक रहा। वहाँ से हैदराबाद आ गए हम लोग। वहाँ तो मैं फ़ुटबॉल का एक खिलाड़ी था क्योंकि मेरे वालिद फ़ुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी थे, मज़हर उज़ ज़मा ख़ान नाम। तो वो अफ़गान टीम के कप्तान भी रह चुके थे। इसका ताल्लुक़ जो है बेंगलुरु से जब किताब निकली तो उसमें इसका ज़िक्र है। हर बड़े फ़नकार के साथ ये एक एडेड एडवांटेज होता है अगर उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट करे। हाँ बिल्कुल, हर लिहाज से जो है मेरी बीवी मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरे बच्चे भी बहुत ख्याल रखते हैं, सब भवे हैं, सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अल्लाह का करम है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। सर वो आपने, जैसा कि मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है कि 15 साल की उम्र में आपने पहला अफसाना लिखा। हाँ जी हाँ जी, काला ताजमहल। तो वो अफसाना लिखने की तरफ कैसे राग़िब हुए? देखिए मैं बाज़ वक्त यहाँ स्टेशन चले जाता था, रेलवे से। कौन सा स्टेशन? नामपल्ली। नामपल्ली बाज़ वक्त वहाँ काचीगुड़ा था, काचीगुड़ा वहाँ बैठता था, मुख्तलिफ़ मुकाम पर स्टेशनों पर जाता था मैं। यही नहीं, हर जगह जहाँ भी जाता था मैं, तो मैं देखता था यार लोग आ रहे हैं, ट्रेन पे चल रहे हैं, उतर रहे हैं, चले जा रहे हैं, फिर दूसरे सवारें आ रही चले जा रहे हैं। ये अजीब लोग ज़िंदगी है, लोग उतरते हैं चढ़ते हैं। ये सफ़र जो है मुसलसिल है और सफ़र ही अहमियत रखता है, मगर आजकल खौफ पैदा हो गया है। उस दौर की जो इल्मी और अदबी फ़िज़ा थी, किन किन लोगों से आपकी मुलाकातें रहीं? मेरी बहुत सारे लोगों से। शम्सुर्रहमान फारूकी बहुत ज़्यादा चाहते थे, बहुत ज़्यादा क़रीब था मैं। जब दिल्ली गया उनके साथ रहा मैं। हैदराबाद में कौन लोग? हैदराबाद में देखिए मोगनी साहब थे बहुत ज़्यादा, जिनके साथ बैठे। मुसफ़ इकबाल तौसवी है, बहुत ज़्यादा। हाँ, और हमारे खुदूस एजुकेट थे अजीज़ आर्टिस्ट लोगों के साथ, बेग साथ थे, और मुश्तबा हुसैन साहब ने तो लिखा वाजहन ने या नाम ने यार उसमें हाँ थे वो भी थे, पर ज़्यादा मुलाकातें नहीं होती थी, मिलते थे उनसे लिए। वज़ीर आगा पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा छपा हूँ मैं, इतना छपा हूँ कि शायद कोई छपा होगा, बिल्कुल वहाँ के हर पर्चे में छपा हूँ, वहाँ का हर नक्खात मुझ पर लिखा है। आगा साहब तो बहुत बड़े नक्खात थे, आगा साहब का मजमून है मुझ पर। फारूकी साहब ने आपके पहले अफसानी मजमूए का पेशलफ्स लिखा। हाँ, फारूकी साहब ने लिखा। दूसरा उन्होंने आखिरी दास्तान को पे लिखा, गैर मामूली नावल है, बल्कि जी वो है, उस किताब में छपा है, इसको मुश्ताक सदफ ने छापा है। जी जी जी। आपकी तख्लीक़ात में एलामती और इश्तिहाराती अंदाज़ मिलता है, जिससे क़ारीन का एक मखसूस तबका ही महसूस हो सकता है। जी जी। तो आप जानते हैं कि ये जो वसी रेंज है क़ारीन का, वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, जबकि रास्त बयानिया जो है सब लोग दायरे के समझ सकते हैं, तो उसकी अहमियत से तो आप वाकिफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद आप रास्त बयानिया की कहानियाँ नहीं लिखते। देखिए, मैं अगर रास्त बयानिया से काम लूँ तो बहुत मुश्किल पैदा हो जाती हैं। जी। बाद इशारे अलामतें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ़ सनतों में ले जाती है। आप फ़र्ज़ कीजिए भाई, मिसाल के तौर पर एक कहानी में जो है आखिरी मुक़दमा में लिखा मैंने, एक आदमी है जिसमें मुक़दमा चल रहा है, मुक़दमा जिसमें चल रहा है उसे देखता है कि मजिस्ट्रेट की कुर्सी खाली है, मुक़दमा चल रहा है, और उन्हें किताब निकालता है शेल्फ से जिसके ऊपर डस्ट कवर चढ़ा हुआ रहता है कानून की किताब का, और उस पर डस्ट कवर रहता है जानवरों की कहानियों का। तो अब ये जो इशारे हैं, बात आप तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, मैं जानता हूँ फिरोज साहब, कि इसमें गड़बड़ हो जाती है। बस अब जैसा तुर्की में एक हुआ, मैंने बहुत सी कहानियाँ मैंने, और इम्कानात भी बहुत होते हैं। अब हम लिख रहे हैं एक सीधी साझी कहानी लिख रहे हैं, एक आदमी जा रहा है, वो ट्रेन में चढ़ता है, बैठता है, या बस में चढ़ता है, बस में धक्के खाता है, उतरता है, फल्लाता है, घर में बैठता है, घर में उठता है, घर में झगड़े चल रहे हैं, ये मुख्तलिफ से क्या है, ये बोलिए इसे क्या तज़िये किए जा सकती, क्या बात पैदा होगी। अब ले दे के जो है इन्हीं पे बोले। अगर अब मैंने ये लिखा कि जो है तुर्की में एक बहुत पहले एक वो हुआ था, बारिश हुई थी, बहुत बारिश हुई थी, तो पानी गली कूचों में दौड़ रहा था, तो पेट्रोल की टांकी थी उस पर बिजली गिरी थी, तो फट गई थी टांकी, और पानी जो है, पानी जो है आग जो है पानी की पीठ पे सवार थी, पानी लेके दौड़ रहा था पीठ पे अपनी आग को लेके। तो ये जो इशारे हैं, ये अल्लाह ताला की मेहरबानियत और उसके जो है नाफरमानी के तौर पे जो लोग अमल कर रहे हैं उसकी तरफ ऐसे बहुत से इशारे हैं, और मैंने बहुत ज़्यादा कसरत से जो है मजहबी किताबों का, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला का। जी, मैंने भी महसूस किया कि आपके अफसानों में जो असातीर हैं, इस्लामी असातीर का ख़ास तौर से जिक्र है। जी, वही इससे आपने खूब इस्तेफादा किया। हाँ जी हाँ, बहुत बहुत सही कहा आपने। मेरी सफ़र कहानी है जो तसव्वुफ पे है, बहुत पहले लिखा मैं कि आदमी जो है अपने अंदर मांजरा नहीं, खलाई अपने अंदर नहीं कर रहा, मैं बताया कि वो बाहर खलाई कर लेने से क्या है भाई, अंदर खलाई करने के बाद जब उसको एक और चीज़ पैदा हो जाती है उसमें, अंदर जब खलाई करता है आदमी तो खुद दिखना शुरू हो जाता है, जब खुद दिखना शुरू हो गया आदमी तो ख़त्म हो गया। खुद को जब देखने लगा आदमी, कुदरत के बजाय, कुदरत के कारनामे के बजाय, उसकी वहदानियत, उसकी ताकत और उसकी जो है कुन फ़ैकुन के मामले के बजाय खुद को देखने लगा आदमी तो ख़त्म हो गया। खुद को जब खलाई करता है तो खुद को भी नजर आ, खुद को मिटाना चाहिए, खुद को मिटाने के बाद जब कुदरत को पहचानता है, खुद को आजकल का आदमी खुद को पहचान रहा है, बिल्कुल ज़्यादा खुद को पहचान रहा है। हम लोग असातीर की बात कर रहे थे, आपका अफसाना याद आया मुझे, शहर मलामत। अच्छा, उसमें आपने सफ़ेद पुष्ट बुज़ुर्ग का जिक्र किया है। जी जी जी। तो हमारे नाजरीन के लिए अगर आप बता दें कि वो सफ़ेद पुष्ट बुज़ुर्ग कौन हैं, और उसमें काले और सफ़ेद कबूतर कौन हैं। देखिए, सफ़ेद कबूतर जो है दिन है जी, काला जो है रात है, और फिर इसके अलावा फरिश्तों के तौर पे भी कबूतरों को मैंने इस्तेमाल किया है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो जिस तरीके से जानते ना सदाम का जो मामला था, उन पे अजाब जो नाजिल हुआ था, उस टाइप पे कहानी लिखी है मैंने। ये कहानी जो है उसी पे है कि ऐसे शहरों पे मलामत जो है अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होता है, तबाह हो गए थे, उलट दिए गई थी। तो उस अफसाने में कई बार आपने जो सफ़ेद पोश बुजुर्ग हैं उनके हवाले से वही कहलवाया है कि तुम पस्तियों की तरफ न जाओ, इस वास्ते कि वो कौम की जो आपको अलामतें उनके जो अमल था ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, बिल्कुल बहुत ख़राब था उनका अमल। वो अमल पे जो है जो कौम भी जाएंगी तबाह ताराज हो जाएगी, बिल्कुल, और ऐसा हुआ है, और तबाह हुई, बिल्कुल। बात आगे बढ़ाते हैं। आपका एक और अफसाना है भागा हुआ मौसम। अब इस अफसाने में काले और सफ़ेद जिस्म वाले परिंदे का जिक्र आया है। हाँ, इसमें भी वही है, वही अब बात उसमें है। सिर्फ एक छोटा सा जुमला मैं नकल करना हूँ। वो उड़ गया तो हवेली में अंधेरा फैल जाएगा और मौसम अंधेरे से फ़ायदा उठाकर फरार हो जाएगा। ये वो दौर था जो बादशाहत का था जी, जब ये बादशाहत ख़त्म हो जाएगी जी, मलूकियत का दौर ख़त्म हो जाएगा जी, तो उस वक्त जो है ये जमहूरियत आ जाएगी। मैंने एक कहानी में ये भी लिखा है कि कार्ड्स खेलते रहते, उसमें मुश्तबा हुसैन है, शमीम हनफी है, समझे, और अजीज़ आर्टिस्ट है, बैठते तो वो लोग कार्ड्स खेलते बैठते हैं, तो उसमें बोलते हैं ये रानी कितनी अच्छी थी, ये बादशाह कैसा था, इनकी शिनाख्त तो थी। अब तो शिनाख्त ही नहीं है जमहूरियत, बहुत बड़ा वो है वो। तो अब इस मामले में जाएंगे तो बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। एक और सवाल कि आप ज़ाहिर है कि हर अफसाना निगार का या हर तख्लीक़कार का अपना एक मखसूस तरीक़ाकार होता है, मौजू के इंतखाब से लेकर उसकी प्लॉटिंग और उसकी पेशकश तक। तो आप जो अफसाने लिखते हैं या नावल लिखते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है, कैसे लिखते हैं? नहीं, मैं देखिए बाज़ाब्ता सोच समझ के नहीं लिखता, मुझे अचानक ख्याल आ जाते हैं। मैंने अभी कहानी यानी आते हैं गैब से, ये मतलब ख्याल में बस मैं कभी 2 बजे रात में लिख लेता हूँ, 3 बजे रात को, बाज़ वक़्त जो है। अभी मैं कहानी लिखी आखिरी सूरत हाल, तो हमारी बीवी से मैंने उसको अब दिखाई नहीं दे रहा था तो डिक्टेट कराया मैंने उनसे, तो बच्चों को भी सुनाता हूँ, सबको ये करता हूँ मैं, सुनते हैं लोग। तो मुझे कोई ये नहीं है, मैं शोर कसरत से ज़्यादा शोर में भी बैठ के लिख सकता हूँ। एक वक्त जो है बोरवेल हो रहा था जी, मैं लिखा, मैंने लिखी कहानी जी। मैं जो है अब ये जो है आखिरी सूरत हाल, अभी जो कहानी लिखी, फिर अभी मैंने लिखा कहानी, रात में अचानक ख्याल आया। एक कहानी तो मुझे मालूम नहीं अब तक, मुख्तलिफ उसके ताबीरात आई हैं। मैं जब नींद में लिखा, और नींद में ही लिखा कहानी में, आपको यकीन बता रहा हूँ। वो बहुत सारे सिफर ला के एक कुएँ में इकट्ठा किया और उन पर उसे मुसलत कर दिया गया, और कई दिन की मेहनत के बाद हर सिफर एक से एक जिस्म वजूद में आया। कौन सी कहानी थी? ये थी, देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी कहानी बोल के लिखा मैं। तो मैं इसमें का ताबीर भी नहीं दे सकता जी। बास ताबीरात जो है क्या होता है, कहानी महदूद कर देती है, बिल्कुल। अफसाने निगार से लिखने वाले से ताबीरात तो जो है कम पूछी जानी चाहिए, बिल्कुल। अब बास तो ज़रूरी होते हैं कि ताबीरात पूछे, ज़रूरी भी है कि मीन और उस पर उतरे आदमी। दरअसल होता यह है कि इश्तिहाराती या इलामती अंदाज की जो कहानियां हैं उनमें आपने बिल्कुल सही कहा कि इम्कानात बहुत होते हैं। इम्कानात चूँकि हमारा ये तालीमी प्रोग्राम है, इसलिए बाज़ अफसानों के हवाले से हम बात बिल्कुल बिल्कुल तलबा हैं उन तक ये बातें पहुँच जाएं, बिल्कुल, वरना कहानी का मज़ा या शेर का मज़ा भी उसी वक्त है जब इंसान उसको पढ़े, मुताला करे, गौर करे उस पर। एक जुमला पढ़कर आगे बढ़ जाए, फिर वो वापस आए, फिर उस पर गौर करे कि कहा क्या है। देखिए, एक मौलाना रोमी है जी, उन्होंने लिखा है कि हिकायत में लिखा कि उसका तर्जुमा सुनाता हूँ मैं। हमने गंदम से पहले रोटियाँ खाईं, हमने अंगूर से पहले शराबें पीं, हमें देखकर पहाड़ रक्त करने लगते थे। अब देखिए अब कितने इम्कानात हैं कि क्या है। वो बाँसरी पे है ना, वो पूरे जंगल से बाँसरी काट के, उस पर इतनी बड़ी हिकायतें हैं जी। एक अजीब कैफियत आपके अफसानों में मिलती है, जैसे दुनिया ख़त्म हो रही है, हर तरफ अफरा तफरी है, इंतशार है, ठीक है, कहीं सुकून नहीं है, हर इंसान परेशान है जी। तो तस्वीर का एक रुख तो ये है और बहुत गालिब रुख है, लेकिन इस दुनिया में बहुत जगहों पर सुकून भी है। नहीं, देखिए एक चीज़ बताऊँ मैं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। एक सुकून तो जो है अज़ल से अब तक नामुमकिन है। वो सुकून जो सुकून इंसान को होना चाहिए, मैं उस सुकून की बात कर रहा हूँ। ये सुकून नहीं जो आदमी ड्रिंक करे या कोई चीज़ें करे, हाँ, इस सुकून की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत ड्रिंक करके आदमी सुकून में हो जाता है, उसको अपने आप में यह नहीं रहता, उसको एक अजीब सुकून मिलता है। वो सुकून नहीं, वो सुकून जो दायमी हो, वो सुकून तो अल्लाह ताला अपने पास रखा है। जी जी, उस वास्ते कि बेचैन इंसान को बनाया ही बेचैन, कई अनासिर से बनाया है अल्लाह ताला। उसमें अल्लाह ताला की वहदानियत तो एक सवाल हो जाता है कि वो उसमें कई अनासिर हैं, वो उन अनासिर से हट ही नहीं सकता। ज़िंदगी के तई आपका नज़रिया क्या है? क्या ये सिर्फ दुखों से इबारत है? नहीं नहीं, ज़िंदगी तो दी गई है, ज़िंदगी को जीना चाहिए, उसमें कई चीज़ें दी गई हैं, मगर ज़िंदगी को समझना चाहिए। ज़िंदगी तो ये एक ही चीज़ बोलो, एक शेर है, उसको शेर को जो है कई लोग अभी तक भी नहीं समझे। गालिब का शेर है, है गैब गैब जिसको समझते हैं हम शहूद, है ख़्वाब में हनूज़ जागे हैं ख़्वाब में। तो मामला जो है हमारा ये है दुनिया का पूरा कि हमको नींद में बेदार कर दिया गया है, और ऐसी बेदारी है जिसमें शऊर एहसास सब कुछ है। सरसर चूटी अगर हमारे तलवों के नीचे से गुजरती है तो उसकी सरसराहट तक हम महसूस करते हैं। ये इतना अजीम तख्लीक़ है अल्लाह की, इंसान पूछिए मत। मेरी इसके लिए मेरी कहानी आप शहर जो कभी आबाद था में, उसमें है एक पानी एक बूंद पानी का। उसमें एक साइंटिस्ट जो है एक कहानीकार से गुफ्तगू करता है। साइंटिस्ट पहले साइंटिस्ट था, वो बाद में कहानीकार हो गया। आईना सामने रखता है, आईना अक्स है, साइंस अक्स है। जी जी, साइंस शय से शय को बनाती है, लाशय से शय को नहीं करती। आपका एक अफसाना है पहले दिन की तलाश में। जी जी, वो लिखने का ख्याल कैसे आया? मैं देखा कि हर शख्स अपने अंदर से बीमार है। बज़ाहिर वो अपने आप को समझ रहा है कि मैं तंदुरुस्त हूँ। एक तंदुरुस्ती अलग होती है, एक वो तंदुरुस्ती होती है जो अंदर से तंदुरुस्त होता है हर लिहाज से। मैं ये टेस्टों की नहीं बता, अंदर से रूहानी तंदुरुस्ती, रूहानी तंदुरुस्ती जो होती है ये तो ये बलियों को जानते हैं। अब ये देखिए, मैंने एक बताया है, एक कटोरा है दूध भर रखा हुआ, दूध से भरा हुआ कटोरा। अब एक आम आदमी को जाके पूछा जाए कि ये क्या है इसमें, तो आदमी बोलेगा कि दूध से भरा हुआ कटोरा है। अब सोफ़ी से पूछेंगे आप तो सोफ़ी कहेगा इस कटोरे में दूध से भरा हुआ कटोरा है, इसमें बालाई है, मलाई है, घी है, मस्का है, दही है, छाछ है, वो सब देख रहा है उसमें। जैसा एक बीज में पूरा जंगल पोशीदा होता है, दरा टहनियाँ शाखें, उसी तरह जो है रूहानी क़ुव्वत भी होती है। सर, इस अफसाने में पहले दिन की तलाश में परकटे परिंदे, आखिरी आदमी, घना जंगल, बूढ़े और बीमार दरख्त, ये सब जो वो खदरें जो खामखा के, अब जैसा मैं यही गड़बड़ रहती, मैंने कहा ना कि बीमार दरख्त, वो खदरें जो लायक तख्लीक नहीं होती जी, उनको जो है हम लोग जारी रखें, वो नहीं होना चाहिए। आप जैसे फातिहा के बारे में पढ़ने लड़ लेते हैं आप बोलिए कर, तो उसमें अब मैं बताया कि जो है वो नस्ल को जो है जो खुदरों पौधों में जाके दवाएं डालता है ना वो जी, उनको तो बचाओ, ये नस्ल को तो भी ये चीज़ों से। बूढ़े दरख्त तो उसमें मुलविस है, कीड़े मकोड़े चढ़ते रहते हैं उसमें, ये करते रहते हैं, सब मलामत वही है। शहर मलामत में आपने किन बातों को निशानजद करने की कोशिश की है? ज़्यादातर तो वही है, सदूम की जो बस्ती है उसी के ताल्लुक़ से मैं बताया कि अब ये मैंने मुल्कों के नाम लेना नहीं चाहता मैं, जी जी जी, जो है उससे गड़बड़ हो जाएगी। पागल और उरिया औरत, दाएँ या शायद बाएँ रान के ज़ख्म को औरत के ज़रिए शहर या ज़मीन करार देना। हाँ, तो मैं ये बताया कि ज़मीन जो है एक फोड़े की तरह है जी, समझे नहीं, उसमें कीड़े भर चुके हैं, ये भर चुके हैं, तमाम गंदगी है। वो खुद जो है एक वो औरत खुद पागल है, महसूस नहीं करी कि ये सच है या ये सच है, कभी इधर आ रही कभी उधर। ये सवाल जो है अनवर अजीम ने भी किया था मुझसे, वहाँ जब किया था। अनवर अजीम जैसे कैसे आदमी रशिया के जो है लीग के जर्नलिस्ट एडिटर थे, अनवर अजीम जो शाहिद कपूर के वालिद, जो फिल्म स्टार शाहिद कपूर है ना, उसके वालिद थे, उन्होंने मुझसे मजमून लिखा था, तजिया किया था उन्होंने ही कहानी का। तो उन्होंने सवाल मुझसे किया था जब पूरे लोग जो थे हाल में, फारूकी नैयर मसूद सब थे इसमें। तो मैंने कहा था कि अब ये एक मामूली से बात की थी, दूध पीता बच्चा में भला ये ऐसी चीज़ें हैं, इसको क्या पूरी आप लोग चाहते हैं कि वहाँ बैठा था बच्चा रिकाबी प्लेट में खाना खा रहा था, ये दाना चुन के खा रहा था, ये सारी चीज़ें क्यों? प्लेट रखी हुई था तो उसमें खाना रखा हुआ था, नहीं रखी हुई थी खाली प्लेट थी या खाना से भरी थी। बस आपने ज़ाहिर है कि अपना एक मखसूस उसलूब वज़ा किया है, लेकिन हर तख्लीकार अपने जो सीनियर्स हैं उनसे किसी न किसी तौर पर मुतासिर नहीं है। मैंने किसी से नहीं जी, इस वजह से मेरा बिल्कुल अलग तरीके से मैंने चाहा भी यही कि जी अल्लाह ताला अपने सीनियर्स में और हम असरों में आप किन अफसाना निगारों को पसंद करते हैं? मैं देखिए एक सच्ची बात तो यह है कि मैंने अफसाने पढ़े नहीं ज़्यादा, इस वजह से नहीं पढ़े कि उसकी छाप बिल्कुल आती है जी, असर होता है बिल्कुल जी जी जी। वैसे बहुत सारे अब जैसा सिकंदर अहमद साहब थे, सिकंदर अहमद साहब का एक तजिया है, क्या मारेगा का तजिया है, उन्होंने लिखा है। आज के दौर में अफसाने और नावल खूब लिखे जा रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में जिस तरह से फिक्शन को उरूज हासिल हुआ था, एक फिर से इस दौर में इस फन को उरूज हासिल है, मगर खारी नहीं है। मेरा अगला सवाल यही था कि लिखने वाले बहुत हैं और बहुत अच्छे अफसाने और नावल लिखे जा रहे हैं, लेकिन ज़बान का दायरा महदूद हो रहा है, हो गया है। नई नस्ल जो है वो तख्लीकात को पढ़ने के बजाय मोबाइल में और स्क्रीन में ज़्यादा। अब अंदाज़ा लगाइए, मैंने कहा ना कि सेंसर्ड जेनरेशन जो है वो 2003 में छपी थी और आज तक जो है बिक रही है। वो कितने साल, 19 साल तकरीबन 19 साल हो गया, 18-19 साल जी। तो अब ये जो है किताब 200-300 किताबें छपती हैं उर्दू की, वो भी ये पाकिस्तान में अलबत्ता कसरत से पढ़ी जाती है, छपती है। अब वो वहाँ जो है वो इस आबाद बियाम में 3 किताबें हैं, 3 है उसमें, और 3 किताबें इतना छापा है वो पूछो मत। आखिर में आपसे चलते चलते ये पूछना चाह रहा था कि आपने जैसा बताया कि उर्दू का दायरा सिमट रहा है, पढ़ने वाले कम हो रहे हैं, बिल्कुल, तो उर्दू की नई नस्ल के लिए आपका क्या पैगाम है? सबसे बड़ी चीज़ जो है, जब तक कि आप मादरी ज़बान में कोई चीज़ नहीं सीखेंगे पढ़ेंगे, उसमें कोई ज़बान पे भी उबूर हासिल नहीं कर सकते। अपनी मादरी ज़बान पे करें तो आप हर ज़बान में उबूर हासिल कर सकते हैं और बहुत ज़रूरी है उसके वास्ते। बेहद शुक्रिया सर, आपने बहुत वक्त दिया हमें और बहुत ही पुरमग़्ज़ गुफ्तगू आपने की और अपने फ़न के हवाले से, मौजूदा जो दौर है उसके हवाले से। हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से, इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर की जानिब से आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने उर्दूनामा के लिए इतना वक्त दिया। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आपका, शुक्रिया बहुत बहुत। नाजरीन, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी और नई शख्सियत के साथ हम फिर गुफ्तगू करेंगे। खुदा हाफिज़।